डियर फ्रेंड्स, आज के समाचार पत्र में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ निकल के आई है। एक बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती होने वाली है, उससे ही संबंध में आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लेकर आया हूँ। आज से जो मैं न्यूज़ अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, सिर्फ वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड होगी, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली जो मेरे भाई बहन हैं वे सभी शिक्षक हैं, तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड ही न्यूज़ होगी। तो एक्सटर्नल कोई भी न्यूज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने कहा भी है ये चीज़ें, तो मैं इन चीज़ों को ध्यान रखूँगा। और शाम को ये बात ध्यान रखना, TGT PGT LT ग्रेड की क्लासेस मैंने अपनी स्टार्ट कर दी हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, और यहाँ पर आपको शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर एक मटेरियल मिलेगा। इसलिए स्टे ट्यून विद शोभित अग्रवाल क्लासेस। इसी चैनल पर मैं अपना एक्सपीरियंस भी साझा करता रहता हूँ, तो आई होप आप सबको ये चीज़ें अच्छी लगती होंगी। तो आज की जो न्यूज़ निकल के आई है, नई शिक्षक भर्ती का इसी माह हो सकता है ऐलान। बहुत ही बड़ी शिक्षक भर्ती है, लगभग 70,000 के करीब इसमें पद आएंगे, तो आप सभी अपनी कमर कस लीजिएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की नई शिक्षक भर्ती का ऐलान इसी माह होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राजस्व परिषद अध्यक्ष मुकुल सिंघल की अगुवाई में बनी 3 सदस्य कमेटी 15 दिन से रिक्त पदों व विद्यालयों के पद का निर्धारण प्रक्रिया खंगाल रही है। बहुत ही अच्छी न्यूज है, नई पदों के हिसाब से सबसे बड़ी भर्ती हो सकती है। स्कूलों में शिक्षकों के 70,000 से अधिक पद खाली हैं। कमेटी इस रिपोर्ट के सौंपने के बाद ऐलान किए जाने की तैयारी है। परिषदीय विद्यालय के लिए नई शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से करी जा रही है। अब से पहले जो थी 69,000 एक भर्ती आई थी। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कोर्ट में हलफनामा दिया कि 51,112 शिक्षकों के पद खाली हैं। पिछले वर्ष में हुई शिक्षक भर्ती के खाली पदों को नई भर्ती में जोड़ा जा सकता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। 68,500 भर्ती अभी पूरी नहीं हो सकी, इसलिए रिक्त पदों को लेकर मतपिच्छी भी की जा रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के सारे पद 3 चरणों की काउंसलिंग में अभी नहीं भरे जा सके हैं। इधर वर्षों से सेवा निवृत्त होने वाले कोरोना काल में कवलित हुए शिक्षकों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है। संकेत है कि कमेटी रिपोर्ट जल्द सौंपेगी। एक और न्यूज़ आई है यहाँ पर, नवंबर में UP TET भी आपके नवंबर में हो जाएगी। ध्यान रखना, जब भी TET होती है उसके बाद एक्सपेक्टेड रहता है कि शिक्षक भर्ती आ जाएगी। भर्ती तैयारी के तहत UP TET नवंबर में कराने की तैयारी है। परीक्षा संस्था से इस संबंध में प्रस्ताव भी मांग लिया गया है। देख कल एक और शायद इसी तरीके की जो चीज़ें हैं जो युवा कर रहे हैं, शायद इसी वजह से ये न्यूज़ आती हैं कि शिक्षक भर्ती आएगी, और आएगी ज़रूर। अब इस बात को आप विश्वास कर लीजिएगा। प्रदेश में रिक्त पदों के भरे जाने को की मांग को लेकर रोजगार आंदोलन कर रहे बेरोजगारों ने प्रधानमंत्री की जन्मतिथि बेरोजगार दिवस के रूप में मनाई। युवा मंच के बेरोजगार दिवस व रोजगार आंदोलन के समर्थन में इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिंह, पूर्व उपाध्यक्ष अभय अवस्थी भी पहुँचे। ये बहुत ही अच्छी चीज़ें होती हैं, जब हम प्रेशर बनाते हैं गवर्नमेंट पे तभी भर्तियां आती हैं, अदरवाइज भर्ती बैकलॉग में चली जाती हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय। शाम को LT ग्रेड और TGT PGT इंग्लिश का मटेरियल आपको यहाँ पर चैनल पर ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।